नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे चैनल वंडरिंग योगी में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम सीखेंगे ट्विस्टिंग के पोस्चर, यानी कि जिसमें अपनी जो स्पाइन है उसको घुमाया जाता है, उसको ट्विस्ट किया जाता है। दोस्तों, इस प्रकार के जो आसन हैं वो हेल्प करते हैं हमको डायबिटीज़ से संबंधित समस्याओं में, जहाँ पर हमारे शरीर में ब्लड शुगर का लेवल बढ़ जाता है। ये आसन आपको हेल्प करेंगे फैटी लीवर की समस्या में, जॉइंटस की समस्या में, जहाँ पर आपके लीवर में स्वेलिंग आ जाती है, तो उस तरह की जो भी समस्याएं हैं उसमें ये आसन बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। और आइए अब शुरू करते हैं इन आसनों को कैसे किया जाता है। सबसे पहले हम करेंगे वक्रासन। दोनों पैरों को इस तरह से सामने आपने खोल देना है, स्पाइन को स्ट्रेट रखना है और धीरे से अपने बाएं पैर को मोड़ करके दाएं पैर के घुटने के बराबर में रख लेना है, ठीक है। अब अपोजिट हैं, अगर मैंने बायां पैर लाया है, अब मैं अपने दाएं हाथ को लेकर के आऊँगा इस तरह से, और ये जो बाजू वाला हिस्सा है इससे मैं यहाँ पर थोड़ा सा पुश करूँगा और धीरे धीरे कोशिश करूँगा अपना जो पंजा है उसको ग्रिप करने का इस तरह, और मैं इसी में पीछे वाले हाथ से सपोर्ट लेते हुए अपनी कमर को सीधा रखने का प्रयास करूँगा और पीछे की तरफ देखना है इस तरह। जब आप इस आसन में होल्ड करेंगे 10 से 15 सेकेंड और एब्डोमिनल ब्रीदिंग करेंगे, तो आपकी जो पैनक्रियाज है, जो आपका लिवर है, उस पर पूरा दबाव जाएगा। धीरे से 10 सेकेंड होल्ड करने के बाद वापस आ जाना है। इसको 10 से 15 सेकेंड आप शुरू में करिए। जब आप इस अभ्यास को करेंगे तो आपका जो ये पेट वाला हिस्सा है, यहाँ पर जो पैनक्रियाज है, जो आपका लिवर है, जो इंटेस्टाइन है, उसमें एक प्रेशर जाएगा और उनकी कार्य क्षमता बढ़ेगी। उनमें जब स्टिमुलेशन जाता है तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और जो पैनक्रियाज है, जो इंसुलिन का हम प्रोडक्शन है, वो कम हो गया है, तो उसको नियंत्रित करने में सहायता मिलती है। अब इसका एक सरल वर्जन दिखा दे रहा हूँ मैं। कुछ लोग कह सकते हैं कि वो पूरा पैर नहीं पकड़ पा रहे हैं, तो कैसे सरल तरह से इसको किया जा सकता है। बाएं तरह से पैर को मोड़ा, अपोजिट हैंड को लाए और इस तरह से कोहनी को मोड़ते हुए अपने घुटने को बिल्कुल चेस्ट के पास लाने की कोशिश करनी है। पीछे वाला हाथ लेकर के गए और इस तरह से होल्ड किया। यहाँ पर भी आप 10 से 15 सेकेंड होल्ड करें। डीप इनहेल करेंगे, डीप एक्सहेल करेंगे, पेट बाहर आएगा और अंदर जाएगा। तो ये इस तरह से आसन आपने किया। अब सेम चीज़ आपने दूसरे पैर से कर लेनी है। दाएं पैर को लेकर के आए इस तरह से, अब अपना बायां हाथ लेकर के जाएंगे और पैर के पंजे को ग्रिप करेंगे। इस तरह ग्रिप किया और पीछे की तरफ घूम रहे, होल्ड कर रहा 10 सेकेंड। धीरे धीरे वापस आएंगे। अब इसमें भी आप जो सिंपल वेरिएशन है वो आप कर सकते हैं। फिर से एक बार पैर को मोड़ करके लेकर के आए और इस तरह से होल्ड किया और वापस पीछे की तरफ। धीरे धीरे वापस पैरों को शेक कर लेंगे। तो दोस्तों, जो ये आसन मैंने आपको बताया, वक्रासन का अभ्यास आपको डायबिटीज संबंधित समस्याओं में हेल्प करेगा, आपके डाइजेशन को अच्छा करने में हेल्प करेगा और आपकी जो इंटेस्टाइन है, जो पूरा लिवर है, जो आपका स्टमक है, वहाँ पर किसी प्रकार की कोई समस्या है तो उसको पूरी तरह से कम करने में आपकी मदद करेगा। आप इस आसन को खाली पेट करिए, या फिर आप अगर शाम को कर रहे हैं तो आपका खाना पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाना चाहिए और 2.5 से 3 घंटे के बाद आप इस अभ्यास को करें। तो दोस्तों, यह जो अभ्यास है, आप अपने योगाभ्यास में इसको शामिल करिए।
और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख करके बताइए कि इस आसन ने आपको कितना लाभ पहुँचाया। दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप सभी योग करते रहिए, एक दूसरे का साथ देते रहिए। सभी का धन्यवाद।